क्या तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल एक आइलैंड बन जाएगा? जैसा कि आप जानते हो, इस्तांबुल बॉस्फोरस स्ट्रेट के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है, जो कि ब्लैक सी के लिए इकलौता रास्ता है। इस स्ट्रेट से होकर जाने वाले शिप्स का नंबर पनामा और सुएज कैनाल से जाने वाले शिप्स के कंबाइंड नंबर से भी ज्यादा है, और इस कारण बॉस्फोरस स्ट्रेट दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट भी बन जाता है। लेकिन तुर्की यहां से गुजरने वाले शिप्स पर टैक्स नहीं लगा सकता, बिकॉज 1936 में तुर्की ने मॉन्ट्रो कन्वेंशन साइन किया, जिसके तहत मिलिट्री शिप्स का यहां से जाना रेस्ट्रिक्टेड है, छोड़कर उन देशों को जो ब्लैक सी के साथ अपनी कोस्ट बनाते हैं। लेकिन हां, कमर्शियल शिप्स को फ्री पास दिया गया, तो ऐसे में मॉन्ट्रो कन्वेंशन को बाईपास करने के लिए टर्की हैज डिसाइडेड कि एक 45 किलोमीटर लंबा वाटरवे बनाया जाए, जिसे इस्तांबुल कैनाल बोला जाएगा। इस कैनाल से एक तरफ टर्की को टैक्स करेक्शन का बेनिफिट होने वाला है, और साथ ही साथ शिप्स को भी ब्लैक सी और मारमरा सी के बीच में पासिस के लिए कई दिनों तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट अगर कम्प्लीट हो जाता है ना, तो ऐसे में इस्तांबुल एक आइलैंड ही बन जाएगा।